ठंडी की सीजन आए और हम फार्मर्स रूडर्स की जानकारी ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। नमस्कार फार्मर्स, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं हमारा स्पेशल चैनल जो सिर्फ पोल्ट्री फार्मर्स के लिए बनाया गया है। मार्केट में नए नए रूडर्स बहुत आते हैं और चीटिंग भी बहुत होना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। रूडर्स लेने जाने से पहले हमें देखना चाहिए कि कॉइल की साइज क्या होती है, उसमें फैन है तो कैसा फैन है, क्या गारंटी है या वारंटी है, वो बिल्कुल चेक करके सारा लेना चाहिए। और कॉइल साइज बिल्कुल देखें, बिकॉज साइज ऑफ कॉइल से आजकल रेट डिसाइड होता है। तो हम आपको डायमेंशन वाइज दिखाएं। आज हम लाए हैं जो रूडर है वो है उसमें फैन और कंट्रोलर, और आपको कॉइल का साइज भी देखने मिलेगा। हम इसका डायमेंशन भी आपको बताएंगे ताकि आपके साथ कोई चिशिंग ना हो। पहले मैं आपको बता दूं, इसके साथ जो ये तीन चैन आती है जो इसे लटकाने के लिए यूज होता है, थोड़ा ऊपर करके हाँ देखिए, ये चैन आती है जिससे आप इसको हैंग कर सकते हो। और अगर मैं डायमेंशन ऑफ कॉइल की बात करूं यहाँ पे जो तो डायमेंशन है कॉइल का वो है 10 इंच के करीब करीब डायमेंशन है। ओके, तो आपको ये बिल्कुल चेक करना है लेने से पहले। और इसमें जो अवेलेबल है ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर 0 से 60 डिग्री तक का काम करता है। और इसमें आप बढ़ाना हो तो इसके लिए प्लस है और यह माइनस साइन दी गई है, तो आप 60 डिग्री तक इसको काम कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर है बिकॉज इसका जो सेंसर यहाँ पे दिया गया है ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप इस सेंसर के यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर। आप जो टेम्परेचर सेट करोगे वो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और इसमें एक अच्छा खासा फैन आ जाता है अच्छी क्वालिटी का जो आप बीच में देख सकते हो, और इसका ऊपर से आपको अगर मॉडल देखना है तो ये ऐसा दिखता है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस ब्रूडर को चालू किया है, जैसे ये जो दिख रहा है ना वो टेम्परेचर है, जो अभी जो टेम्परेचर है एटमोस्फियर का वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फैन अच्छे से काम कर रहा है और नीचे अगर दिखाऊं मैं तो ये भी अच्छी खासी हॉट हो गई है, लेकिन दिख नहीं रहा है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा उजाला है इसलिए। और इसकी बात करूँ मैं, अगर टेम्परेचर कंट्रोलर को सेट करना है तो ये प्लस का साइन है और ये माइनस है। तो अगर आपको सेट करना है कोई टेम्परेचर तो आपको ये प्रेस करना है, थोड़ा दबा रखा, अभी 60 पर रखा हुआ है मैंने, तो ये मैक्सिमम है। अगर आपको थोड़ा कम करना है तो ये फिर आप सा प्रेस करके रखना है आपको, तो ये धीरे 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 नीचे जा रहा है। तो ये है, धीरे धीरे देख रहे हैं आप नीचे जा रहा है। सो आप जो टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं उस पर आप इसे रख सकते हैं। इसे और मैं कम करता हूँ, 36 पे रख दिया है अभी मैंने, और ये 31 जो है वो रूम टेम्परेचर है। जैसा कि हमने डायमेंशन और इसकी साइज वगैरह बता दी है कॉइल की, और आपने आपको बता भी दिया है फैन वगैरह कैसा आता है, कंट्रोलर जिसमें आप 0 से 60 डिग्री तक का टेम्परेचर यूज कर सकते हो, तो ये जो ब्रूडर है उसकी कीमत आपको मार्केट में करीबन 3,000 से 3,500 रुपीज तक का मिल जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आपसे कोई लेता है तो कृपया हमसे कॉन्टेक्ट कर चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।